नमस्ते अजय जी, मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मेरे चेहरे पे एसिड बर्न हो गया है। क्या हुआ, कैसे हुआ, समझ में तो नहीं आया, पर हम हीलर्स हैं ना, तो हम हर चीज़ों को अपने पास्ट लाइफ या अपने कर्मा से जोड़ते हैं। वैसे हुआ क्या था मैं बता देता हूँ। आज सोमवार है, बीते गुरुवार को मैं एक झरने में नहाने के लिए गया हुआ था, मेरे घर से कुछ 300 किलोमीटर की दूरी पे। हम वहाँ 2 दिन रुके, झरने के पास रहे, ध्यान साधना किया, नहाए झरने में। तो हो सकता है वहाँ के किसी कांटे से या वहाँ के किसी कीड़े से मुझे ये हो गया। सवाल ये है, क्या मुझे पेन है? जवाब है हाँ, मुझे पेन है। गुरुवार शुक्रवार हम वहाँ रहे, शनिवार को हम वापस आ गए थे दोपहर तक। शाम को मुझे अपने नाक के आसपास फील हुआ, इन्फ्लेमेशन फील हुआ, दर्द फील हुआ, थोड़ा बहुत था तो मुझे लगा होगा कुछ। रविवार की सुबह जब मैं उठा तो मेरे चेहरे पे इस तरह से ये फैला हुआ था, ये अभी भी फैल रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। बेशक पेन है, दर्द है, मेरी आवाज़ भी बैठी हुई है, खराश है। रविवार से 24 घंटे मुझे हिम्मत जुटाने में लगे कि इस चीज़ को मैं कैसे फेस करूं, इस चीज़ का मैं क्या हल निकालूं, इस चीज़ के लिए मैं क्या करूं। जब मेरी धैर्यवान हीलिंग साइंस की टीम ने ये सब देखा तो वो डर गए। उनका कहना था कि सर, इस चेहरे को लेके कैमरे के सामने मत आइए, क्योंकि अगर जब लोग देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि अगर धैर्यवान को, इस हीलर को भी ऐसा हो सकता है जिनसे हम हीलिंग साइंस सीख रहे हैं, तो किसी को भी हो सकता है। मुझे भी ये बात सही लगी, पूरे दिन मैं ये बात सोचा, फिर मुझे अपने गुरुओं की बात याद आई कि गुरुओं ने जो सिखाया है कि वो सीख तो नहीं है। हम इंसान हैं, कष्ट हमारे जीवन में आ सकते हैं हमारे कर्मों के कारण या परमात्मा की ली हुई किसी परीक्षा के चलते कष्ट हमारे जीवन में पेशक आ सकते हैं, कोई तकलीफ़ हमारे जीवन में आ सकती है, लेकिन इन तकलीफ़ों की वजह से हमें चेहरा छिपाने की ज़रूरत नहीं है। हम हीलर हैं ना, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जो चीज़ 1-1.5-2 महीने में जो चीज़ ठीक होनी है, हो सकता है ये 15-20 दिनों में ही ठीक हो जाए या उससे भी कम समय में, क्योंकि हम हीलर हैं, हम जानते हैं हीलिंग कैसे करनी है। तो मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी मेरे लिए कोई हीलिंग करे, मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरे लिए कोई भी प्रार्थना करें, मैं चाहता हूँ कि मैं खुद ही क्षमा प्रार्थना करूं रोज़, और अपने किसी भी जाने अनजाने किए हुए कर्मों से मैं मुक्त हो जाऊं, कि जिसकी वजह से मुझे ये सज़ा मिली है। अब देखो ना, सच सच बताऊं, मुझे ना कहीं अपने रूप रंग पर अभिमान तो था, सुंदर था जो मुझे मिली थी परमात्मा की कृपा से, उसका अभिमान तो था मुझे। मैंने कई वीडियोस भी बनाए हैं जिसमें मैंने स्किन, हेल्दी स्किन के लिए, सुंदरता के लिए, अच्छे बालों के लिए, रूप रंग के को कैसे हील करते हैं ये सिखाया है। आज मेरा ये चेहरा देखकर अपने विश्वास को टूटने मत देना कि धैर्यवान को ही स्किन प्रॉब्लम हो गई तो अब हमारा क्या होगा, अगर ये खुद को ठीक नहीं कर पाया तो हमारा क्या होगा, खुद को नहीं बचा पाया तो क्या होगा, बचा नहीं पाया ये बात सच है, लेकिन ठीक नहीं कर पाया ये बात तो ठीक होने या नहीं होने पर ही पता चलेगी ना। तो इस पूरे महीने इंतज़ार करना कि सब ठीक हो जाएगा। मैं रोज़ इस चेहरे के साथ वीडियो डालूँगा, अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट करूँगा, मैं कैसा फील कर रहा हूँ, कैसा महसूस कर रहा हूँ सब बताऊँगा, क्योंकि जो भी देख रहा है मेरे चेहरे को देख करके उनको बहुत बुरा लग रहा है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग बुरा फील करें मेरे इस चेहरे को देख करके।
जीवन है, जीवन में संघर्ष आ जाते हैं, परीक्षाएं आती है। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन देने वाले परमात्मा ये मदर नेचर गलत है, ठीक है? तो एक बार और अच्छे से देख लो, यहाँ ये पूरा वर्ण है, यहाँ बर्न है, यहाँ बर्न है, नाक के पास तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, चेहरे पे इन्फ्लेमेशन है, और ये सब ठीक हो जाएगा। एक 24 घंटे मुझे भी लगे थे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, लेकिन अब मैं आपके सामने हूँ और सब ठीक हो जाएगा, इस बात का वादा करता हूँ। मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ बेटा कि जीवन में ऐसे किसी भी कष्ट को लेके घबराने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा पे पूरा विश्वास रखें, अपने हीलिंग पे पूरा विश्वास रखें, अपनी प्रार्थना पे पूरा विश्वास रखें। हाँ जी, तो चलते हैं इस अध्याय में। रोज़ हम ये सीखेंगे कि कैसे हम अपने जीवन के इन कष्टों से उबरते हैं, सकारात्मकता बनाए रखते हुए, पॉजिटिविटी बनाए रखते हुए। सारा काम हम करेंगे जैसे जीवन जीते थे वैसे ही जिएंगे, बिल्कुल नहीं भागेंगे, बिल्कुल मुंह नहीं छुपाएंगे। ठीक है, ठीक है? मेरी पूरी टीम यहाँ पे खड़ी हुई है, मुंह बना करके, इतना इतना सा मुंह हो गया है सबका। चलिए जी, नमस्ते।